हेलो स्टूडेंट, कॉलेज ऑफ जेनियस सीबीसी स्कूल अंबाजोगाई में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट सिखाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास सिक्स और चैप्टर नेम इज वर्ब वर्ड्स। हाय, तो दिस हम आज वर्ड्स का फर्स्ट चैप्टर सीखने वाले हैं। तो वर्ड के फर्स्ट चैप्टर में हमें आज लेना है वर्किंग विथ लिस्ट एंड टेबल्स, चैप्टर फर्स्ट और क्लास सिक्स। तो हमें क्या करना है, वर्किंग मतलब वर्ड्स में क्या क्या है वो हमें पूरी जानकारी लेनी। तो हम फर्स्ट में क्या करेंगे, बुलेट्स एंड नंबर्स लिस्ट देखेंगे। लेकिन फर्स्ट में आपको वर्ड्स कैसे ओपन करना है ये पता होना चाहिए। तो वर्ड्स कैसे ओपन करना है, आपको वर्ड्स ओपन करने के लिए फर्स्ट में कर्सर से हमें दिस इज लैपटॉप, तो हमें वर्ड्स ओपन करना है। फर्स्ट स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे वर्ड एमएस ऑफिस वर्ड 2007 है, तो हमें वो क्या करना है, ओपन करना है। उसे क्लिक करने के बाद विंडोज 2007 वर्ड ओपन हो गया। तो उसमें हमें क्या देखना है, बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट है। हमें क्या करना है, बुलेट्स मतलब हमें हम क्या करते हैं, कुछ हमने सेंटेंस लिखे उसे टाइटल देने के लिए कभी स्टार देते हैं, कभी मतलब नंबर्स देते हैं, कभी बुलेट्स देते हैं, सर्कल देते हैं, हमें जैसे शेप चाहिए वैसे दे सकते हैं हमें। तो उसमें हमें क्या करना है, बुलेट्स एंड नंबर्स में फर्स्ट में आपको मैं इंट्रोडक्शन करती हूँ बुलेट्स का। द बुलेट्स एंड नंबरिंग फीचर एम एस वर्ड हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन अ रीडेबल मैनर्स। टू क्रिएट अ बुलेटेड और नंबर लिस्ट यूज द बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन ऑफ द फॉर्मेट मेनू। फर्स्ट में बुलेट्स एंड नंबर, क्लिक द बुलेट्स बटन। फर्स्ट में हमें क्या करना है, बुलेट्स बटन पे क्लिक करना है, दिस बुलेट बटन्स। ओके, फर्स्ट क्लिक हो गया तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सिंबल्स आ गए वो बुलेट्स के नाम। नंबर लिस्ट बटन नेक्स्ट में, उसके बाजू में क्या है, नंबर लिस्ट बटन। ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, टूल बार हमें क्या करना है, हमने ये नंबर्स एंड बुलेट्स ओपन कर दिए। टाइप द फर्स्ट एंट्री एंड प्रेस एंटर कीज। फर्स्ट हमें क्या करना है, कुछ टाइप करने के बाद हम टाइप किया हमने उसे हमने बुलेट दे दिया, उसे सेलेक्ट करने के बाद उसे हमने बुलेट दे दिया, वन बुलेट दे दिया और एंटर कर दिया तो उसे एंटर हो गए। नेक्स्ट में मतलब दूसरा चाहिए तो हम उसमें ले सकते हैं। ये हो गए बुलेट्स और नंबर्स, अलग भी ले सकते हैं, हमें अलग चाहिए तो हम यहाँ से अलग भी ले सकते हैं। ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया, वहां पे क्लिक करने के बाद हमें अलग अलग आ जाते हैं, हमें वो चेंज होने पूरा दिखता है, मतलब वो चेंज हो गए बुलेट्स। नेक्स्ट में हमें देखना है नंबर्स, यहाँ पे नंबर चाहिए हमें, हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे, यहाँ पे नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, नंबर्स लिस्ट में जाएंगे और हमारा कर्सर नंबर लिस्ट में लेके जाएंगे, हमें नंबर लेना है तो हमें नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर आ गया और हमें नीचे भी नंबर चाहिए, एंटर करना है, एंटर करने के बाद नेक्स्ट में वो नंबर आ जाता है। यहाँ पे फर्स्ट आ गया, सेलेक्ट करना है उसे, पहले सेलेक्ट करने के बाद पूरा सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट में हमें एंटर करने के बाद मतलब हो जाते नंबर आ जाते। ओके, वो हो गए नंबर लिस्ट एंड बुलेट लिस्ट। नंबर लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे देखो नंबरिंग लाइब्रेरी है, डॉक्यूमेंट्स नंबर फॉर्मेट है, मतलब एक के नीचे एक स्टेप बाय स्टेप आना है तो भी नंबर लिस्ट का यूज कर सकते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट में हमें देखना है, फॉर एग्जाम्पल एटमोस्फियर में बुलेट्स और फॉर्मेटिंग लिस्ट में क्या क्या आता है। फॉर्मेटिंग लिस्ट आपने देखी, फर्स्ट में हमें क्या कर रहा है, बुलेटिंग नंबरिंग देखना है, बुलेट एंड नंबरिंग, उसे पिक्चर कुछ पिक्चर से हमारे पिक्चर से अलग अलग पिक्चर से, तो हमें वो क्या करना है, हमें यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स आ गए। ओके, नेक्स्ट टेबल्स।
उसमें ही टेबल से ऑप्शन है, तो उसमें हम टेबल्स क्रिएट, वर्ड में टेबल कैसे क्रिएट करते वो भी हम आज सीखने वाले हैं। टेबल्स तो फर्स्ट में हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के बाद इंसर्ट में टेबल्स आते हैं। क्या टेबल्स आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे टेबल्स है, कहाँ पे? इंसर्ट में। इंसर्ट में टेबल ना, हमें टेबल इंसर्ट कैसे करना है, मतलब वो टेबल हमारे वर्ड पेज पे कैसे लेना है वो हमें देखना है। तो वर्ड पेज पे कैसे लेना है मैं आपको बता दूंगी। फर्स्ट में हमें देखना है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल आ गए, इंसर्ट टेबल है, ड्रॉ टेबल है, एक्सेल शीट है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट में हमें रो और कॉलम्स देखना पड़ेगा, टेबल्स इंसर्ट करने के पहले रो और कॉलम्स कैसे लेना है वो सीखना पड़ेगा। हमें क्या करना है, टेबल इंसर्ट टेबल फ्रॉम मेनू बार द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, सिलेक्ट द नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर द टेबल्स एंड क्लिक ऑन द बटन। ओके सिलेक्ट, हमें क्या करना है, इंसर्टिंग टेबल तो हो गया हमारा, हमने यहाँ पे रोज इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टेबल। नेक्स्ट में हमें रोज लेना है, मतलब कॉलम्स लेना है, हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉलम्स लेंगे, कितने कॉलम्स लेना है हमें, फोर लेना है, और रोज कितने लेना है हमें, रोज सेवन लेना है, और नेक्स्ट में हमें ओके करना है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे टेबल फोर कॉलम्स एंड सेवन रोज का एक टेबल आ गया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया, तो हमें वो टेबल इंसर्ट कर, हमें इंसर्ट कर दिया। तो उसमें हमें क्या करना है, इंसर्ट करने के बाद हमें ड्रॉ अ टेबल, मतलब उसमें ड्रॉ कर सकते क्या, हम लिख सकते क्या, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओनली वहां पे जहाँ पे रो और कॉलम जगह पे है वहां पे जाके आपको ओनली क्लिक करना है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स टाइप हो रहे हैं। हमें कैंसिल करना है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, हमें नेक्स्ट में जाना है तो हम यहाँ पे लेफ्ट राइट बटन का यूज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट बटन का यूज करके हम लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं, और हमें जिस सेल में, मतलब कॉलम और रो बन के सेल रेडी हो जाता है, मतलब सेल तैयार हो जाता है। एक छोटा भी आपको मैं सिलेक्ट करके बताती हूँ, यहाँ पे ये जो वन मेरे ये है रो और ये है कॉलम्स, रो और कॉलम्स में बल्कि पूरा एक ये सेल रेडी हो जाता है, मतलब सेल तैयार हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, सेल। ओके तो ड्रॉ हमने ड्रॉ भी कर दिया, एस्केप करके मतलब ड्रॉ टेबल कर दिया हमने। टू बी आउट फ्रॉम द ड्रॉइंग मोड टू नॉर्मल टाइपिंग मोड प्रेस एस्केप कीज। ओके यहाँ पे हमने कुछ तो टाइप कर दिया, हम यहाँ पे टाइप करके देखेंगे। ओके नेक्स्ट, और हमने एस्केप दबाया तो वहां से पूरा ड्रॉ हो गया और वो सेलेक्टेड हो गया। ओके नेक्स्ट में हमें देखना है, हमने टेबल क्रिएट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है वो देखा, रो आप रो और कॉलम्स कैसे होते देखा, और सेल किसे कहते हैं वो भी हमने मतलब देख लिया। और इसके मतलब नेक्स्ट में हमें देखना है बॉर्डर एंड शेडिंग टूल बार, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके थैंक यू स्टूडेंट।